गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। हमने कल इसके सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए थे, आज हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मुझे क्या कहा है मैं रीड आउट कर देती हूँ, एक बार आप भी अपनी बुक में देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैं एक बार आर्टिकल भी दिखा देती हूँ साथ साथ में बुक में। आपका देखिए ये वाला आर्टिकल था 1.26, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। हम एज इट इज इसको सॉल्व करेंगे जैसे थियोरिटिकल लिखा हुआ है। इसने फर्स्ट का है जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको एस मान लें, फिर आप पुट करेंगे एस, एस वन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे। फिर आपको जो टेंजेंट है दोनों आपस में कैसी है, राइट एंगल पे, दैट मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करना है, जीरो। ये काम करना है सिर्फ आपको, हम यहाँ करते हैं। देखिए स्टार्ट, क्वेश्चन में मुझे ये इक्वेशन दी हुई थी तो मैंने इसी को क्या मान लिया है, एस। तब अगर मुझे इसके बाद एस वन लिखना है तो क्या बनेगा, जहां भी एक्स हो वहां क्या पुट करना है, एक्स वन, जहां भी वाई हो वहां क्या पुट करना है, वाई वन। तो ये बन जाएगा 14x1 स्क्वायर माइनस 4x1y1 प्लस 11y1 स्क्वायर माइनस 44x1 माइनस 58y1 प्लस 71। यही आ जाएगी हमारे पास, ये हमारी कौन है, एस वन। ऐसे ही टी भी मैंने आपको पीछे दिखाया था कौन होता है, टी मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ बिकॉज ये पहली बार यूज हो रहे क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पे ये होता है हमारा टी, ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ होल ऑफ वाई जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी। ये होती है टी की वैल्यू। मुझे अब इक्वेशन पता है डायरेक्टर सर्कल में ये रखनी है, मैंने ये इक्वेशन लिखी, एस की वैल्यू पुट की, ये फर्स्ट ब्रैकेट किसकी है मेरे पास, एस की है। ऐसे ही अब मैंने ये पुट किया यहाँ से यहाँ तक, ये किसकी है, ये एस था, ये कौन है, एस वन। इक्वल टू का साइन लगाया, कौन रख दिया, ये पूरा टी है और ये उसका स्क्वायर है, इतना आ जाएगा। एस को यहीं रखा, एस वन को यहीं रखा, टी को देखो ये इक्वल टू के राइट में था, इसको इक्वल टू के लेफ्ट में ले आए, इक्वल टू के बाद क्या बना लिया, जीरो। अब मुझे पता है जो मेरी टेंजेंट्स है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होने चाहिए, जीरो। तब आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट कौन है, वाई स्क्वायर के कोफिशियंट कौन है वो लिखेंगे, उन सबको एड करके क्या बनाना है, जीरो। तो जब आप करेंगे आपके पास ये आएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये टर्म्स आएंगी। आप इनको एक बार सॉल्व करके देखना इक्वेशंस को, क्या ये आ रही है या नहीं आपके, ये आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व किया, 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, जितना सॉल्व कर सकते हो किया, ये क्या आ गया, इक्वल टू जीरो। अभी तक मतलब आया नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करते जा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। ये इक्वेशन इतनी बड़ी बन गई थी पहले, फिर हमने इसमें कटिंग हो जाएगी, सिर्फ ये बचेंगे अब हमारे पास। मैं इसमें देख रही हूँ 150 कॉमन आ सकता है, तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई है। ये किसकी इक्वेशन है, डायरेक्टर सर्कल की, पर ये सिर्फ एक पॉइंट की थी, किसकी, एक्स वन वाई वन। पर सर्कल पे तो क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक्स वन वाई वन तो सिर्फ एक पॉइंट है, थोड़ी देर में हम यहाँ भी बात करेंगे इस पे, इस पे ऐसे, इसलिए उसकी क्या बात कर दे, लोकस। लोकस का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ, जनरलाइजेशन करना। ये फॉर्मूला सिर्फ अभी एक के लिए बना हुआ है, x1 के लिए, y1 के लिए, हम बनाएंगे सबके लिए। तो उसमें क्या रख देंगे, x1 की जगह x, y1 की जगह पे y। ये आ गया आपके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं रीड कर रही हूँ, क्या दिया है, शो दैट लाइन, हमें शो करना है कि ये जो लाइन दी है ये इसको टच करती है। अच्छा, अगर मैं आपको सीधा से कह रही हूँ, एक मेरे पास कर्व है, एक लाइन बोल रही हूँ मैं आपको कि इसको टच करती है, दैट मीन्स एक पॉइंट ऐसा होगा जो लाइन पे भी होगा और इस कॉनिक पे भी हो, दैट मीन्स इसका एक पॉइंट निकाल इसमें पुट कर दे, वही मतलब बन रहा है, इसने वही किया है। ये हमारा कॉनिक है, ये लाइन है, लाइन में से वाई की वैल्यू निकाली, ऊपर इक्वेशन में पुट कर दी, सॉल्व किया, ये सॉल्व कर रहे हैं, सब खोल लेंगे आपकी ब्रैकेट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, सॉल्व करने के बाद ये किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ रही है 1.1। तो मैंने देखा रूट दोनों क्या आ गई, इक्वल, इक्वल आई है। इसका मतलब मेरे पास जो लाइन टच कर रही है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कर रही है, अगर दो वैल्यू आती तो दो पे करती अलग अलग। अब वन वन एक ही पॉइंट है ना, वन यही है,
दोबारा अगर वन को मार्क करूँ तो यहीं करूँगी, तो इसका मतलब दो पे नहीं वो लाइन कहाँ टच कर रही है, एक पे कर रही है। बस फिर हमने लिख दिया कि लाइन टच कर रही है कहाँ पे, जब एक्स वन है तो मैं वाई बता सकती हूँ। ये आपके पास था ना ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू, एक्स की जगह वन रख दो क्योंकि आपने अभी निकाला है एक्स की वैल्यू कितनी है वन, तो वाई आ जाएगा। तो पॉइंट मुझे पता चल गया कि ये जो लाइन दी है क्वेश्चन में ये इस कोने को कहाँ टच करेगी, 1.2 पॉइंट पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कब, जब ये हमें कॉनिक दिया है और पॉइंट भी दिया हुआ है 0.1। अब अगर आपको कल का आर्टिकल याद है तो वहां से डायरेक्ट भी हो सकता है, ये दिखा देती हूँ आपको। जस्ट अ सेकंड हियर, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, हम तो किसी पॉइंट की बात कर रखी है, तो इसकी इक्वेशन क्या आई थी, ये आई थी ए एक्स एक्स वन, ये वाली पूरी ये इक्वेशन हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वन है, ऐसे एच की यहाँ कितनी है वन है, बी की वन है, जी की कितनी आ जाएगी मेरे पास टू जी एक्स होता है ना माइनस टू मतलब माइनस वन आ जाएगी, एफ कितना आ जाएगा जीरो, सी कितना आ जाएगा माइनस वन, ये बन जाएगी, ये आ गए। अब मैंने जो अभी अभी आपको इक्वेशन दिखाई थी ये वाली, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह पे कर दिए पुट, बी की जगह पे ये आ गई इक्वेशन। अब ये पॉइंट बोला है, कोई पॉइंट नहीं बोला है, एक पॉइंट दिया है, तो ये क्या है एक्स वन, ये क्या है वाई वन, क्योंकि ये इक्वेशन कब थी, जब मेरे पास पॉइंट क्या था एक्स वन वाई वन, उस पॉइंट पे ये इक्वेशन आई थी। तो बस आप एक्स वन की जगह पुट कर देंगे जीरो, वाई वन की जगह पे वन, और आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, ये है क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्या कह रहे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज आस्किंग फॉर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कॉनिक दिस विच आर पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन दिस। ओके, मैंने पहले जो कॉनिक दिया है क्वेश्चन में वो लिखा, वो लाइन लिख ली, इस लाइन के पैरेलल आनी चाहिए, ये अगर लाइन यहाँ बन रही है तो इसके पैरेलल आएंगे दो टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आएंगी। हमने कहा ओके, फिर हम क्या करें, मुझे पता है ये लाइन है अगर और इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है तो कैसे होती थी, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, तो एक्स प्लस फोर वाई माइनस सी कर लो, और ये सी है कॉन्स्टेंट, यहाँ माइनस सी आ जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करते थे क्लास ट्वेल्थ में तो आप देखो कई बार ऐसे करते थे ना, सी के साथ अगर आके कुछ टू मल्टीप्लाई हुआ है तो आप उसको नया नाम दे देते थे सी वन। मैं यहाँ यही कर रही हूँ, एक्स प्लस फोर वाई नया कॉन्स्टेंट नाम दे रही हूँ कौन, लैम्डा। तो देखिए इसने यही बन गई इक्वेशन, सिर्फ जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनमें सिर्फ एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंस आता है, अगर ये लाइन दी थी तो इसमें आप बस एक कॉन्स्टेंट अगर ऐड कर देंगे तो वो लाइन इसके पैरेलल बन जाएगी। बस अब आप क्या करेंगे, y निकालेंगे, ये y आ गया, y आपने इक्वेशन नंबर इससे निकाल लिया यहाँ से, उसको ले जाके इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, कर दिया। लेकिन आप जब पुट करेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे क्या, स्क्वायर्स दिखेंगे टर्म्स का, एक्स स्क्वायर, ऐसे जब ऊपर टू आ जाता है इसका मतलब आंसर कितने आने चाहिए, टू आंसर मतलब दो रूट आने चाहिए, पर हम तो कह रहे हैं क्वेश्चन में दो हो ही नहीं सकती, क्यों, टेंजेंट है, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है ना कि दो पे, ये जो x के ऊपर 2 आएगा ये तो क्या कहेगा कि दो आंसर आने चाहिए, दो आंसर का मतलब दो जगह टच कर रही है वो लाइन, पर हम तो कह रहे हैं टेंजेंट पूछिए क्वेश्चन में, टेंजेंट तो एक जगह करती है, दैट मीन्स रूट कैसे आनी चाहिए, इक्वल एक ही पॉइंट आना चाहिए, चाहे वो दो बार आए दस बार आए, पर पॉइंट एक ही होना चाहिए और कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां वो टच कर रहे हो। रूट इक्वल कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए जीरो, तो अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या बन जाए जीरो। तो बस आप इस इक्वेशन को जब वाई को इसमें पुट करेंगे आप उसको सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देंगे जीरो। अब आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शो दैट द टू कॉन्सेंट्रिक कॉनिक सेक्शन ऑलवेज हैव अ पेयर एंड ओनली वन पेयर ऑफ कॉमन कॉन्जुगेट डायमीटर एंड फाइंड देयर इक्वेशंस। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं, कॉन्सेंट्रिक वो है जिसका सेंटर हो कहाँ पे, ओरिजिन पे, कॉन्सेंट्रिक मतलब दो जो जिनका सेंटर सेम जगह हो,
और ओरिजिन पे हूँ। अब देखिए, अगर मैं ये वाली इक्वेशन थोड़ी देर के लिए छुपा रही हूँ, ये हाइड कर दी है मैंने, ऊपर वाली इक्वेशन देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, या फिर इसको लिख ले माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। मैं ये बता रही हूँ, दोबारा देख लो, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रही हूँ, ऊपर देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन ऐसी है जिसका ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि इसमें ना तो x की टर्म है ना y की है, अकेला x नहीं है किसी भी टर्म में, अकेला y नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, तो ये देखिए ऐसी इक्वेशन है जो कहाँ से पास करती है, कौन सेंटर से। ऐसे ही ये वाली, मतलब जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, सॉरी इसका भी सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। मुझे दो चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे कितने पूछे हुए हैं, यहाँ पे दो पूछे हुए हैं, टू कॉन्सेंट्रिक कॉनिक, तो एक ये लिख दिया। अब थोड़ी अलग इक्वेशन करके लिखना है, एक्स वाई तो नहीं बदल सकते हम इक्वेशन में, किसको बदलेंगे, कोफिशियंट्स को। जैसे एक इक्वेशन में अगर 2x था, एक इक्वेशन अगर ऐसी है 2x स्क्वायर प्लस 3x y ऐसी, तो हम दूसरी लिख देंगे 3x स्क्वायर, ये दो इक्वेशन बन जाएगी ना, कोफिशियंट अलग है, दैट मीन्स इक्वेशन भी अलग है। तो बस दो इक्वेशन लिख ली मैंने। इफ टू डायामीटर, डायामीटर मैंने किससे दिखाए हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, y इज इक्वल्स टू एम डैश एक्स, अगर ये दोनों कॉन्जुकेट है, कौन से कॉनिक के लिए, इसके लिए, तो हमें ये लाइन पता है। ये आपका कल एक आर्टिकल था, ये इतना, ये मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ साथ साथ आपको, कॉन्जुकेट डायामीटर, ये है आपके पास आर्टिकल 2.20 सेकंड केस, कंडीशन टू स्ट्रेट लाइन, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, पैरेलल हो किसके, कॉन्जुकेट डायमीटर के। कल हमने सॉल्व किया था इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे ये वाला जब सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, ये आ गया था एट द लास्ट। तो इसने दोबारा से यही पूरा आर्टिकल बता दिया आपको, बहुत छोटा कंक्लूड करके, कि अगर हमारे पास दो डायामीटर है, एक ये, क्योंकि एक लाइन है, डायामीटर क्या होता है, अगर मैं आपको एक सर्कल बोलूं और मैं बोलूं एक डायामीटर बनाऊं, तो आप एक लाइन लगाओगे ना ऐसे, जो कहां से पास हो रही है, सेंटर से। तो ये भी तो एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। कॉन्जुकेट डायामीटर का मतलब क्या है, हमें दो डायामीटर चाहिए, क्योंकि आप डेफिनेशन कल वाली वीडियो में देख सकते हैं जिसको क्लियर नहीं है अभी भी। तो मुझे दो लाइन चाहिए, मैंने दो लाइन लिख ली है, एक का स्लोप एम है, दूसरी का स्लोप एम डैश है। तो हमने कह दिया है ये दोनों अगर कॉन्जुकेट हों, जब ये कॉनिक हो आपके क्वेश्चन में, तो ये होता है उसका आंसर। तो हमने कहा ठीक है, लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू कॉन्जुकेट डायमीटर विद स्लोप एम एंड एम डैश। अब मैं कह रही हूँ कि जब हम दोनों को मिला दें, जो हमारे दो कॉन्जुकेट डायमीटर हैं उनको अगर हम एक जॉइंट इक्वेशन लिखना चाहते हैं, उन दोनों को मिला के एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो कैसे आएगी। तो हम कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो देखिए अब कैसे आ जाएगा, एम प्लस एम डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस टू एच बाय बी, यही आ जाएगी हमारे पास। दूसरा अगर हम देखते हैं अब, तो वो क्या आएगा, एम एम डैश वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बाय बी के। अब आप लोग ये कंफ्यूज हो गए आया कैसे है, तो देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ, मैं ये इक्वेशन दोबारा लिखती हूँ। इक्वेशन सपोज कर लो ये है जो अभी लिखी थी हमने, सपोज नहीं यही है, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को पहले y की टर्म में लिखेंगे, मतलब y वाली टर्म को प्रेफरेंस देंगे, टू एच एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। मैं इस इक्वेशन को y में देखना चाह रही हूँ, मतलब मेरे लिए फिलहाल x क्या है, कॉन्स्टेंट है, y में क्वाड्रेटिक है। तो ये देखो y स्क्वायर, फिर y, फिर कोई टर्म नहीं है y की, क्वाड्रेटिक इन y, तो मैं b से डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या आएगा, 2h by b x y plus a by b x square is equals to zero। तो अगर आपको एक क्लास में मैंने डिस्कस किया था और आपने पहले पढ़ा भी है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो मैं आपसे जब भी पूछती थी सम ऑफ रूट्स कहाँ हैं, तो आपने कहा था माइनस बी बाय ए, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ये साइन लगते थे, तो माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट कहाँ होता है, सी बाय ए, क्योंकि सी के ऊपर प्लस का साइन है, तो सी बाय ए यही होता था। यही देखिए सेम हम इसमें लगाएंगे, ये इक्वेशन है ये वाली जो वाई में है,
इनको देखना है। तो सम ऑफ रूट कहाँ है, ये है, पहले लगाओ प्लस माइनस प्लस, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस टू एच बाई बी। एक्स फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे एक्स से कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन सिर्फ किस में हम कंसिडर कर रहे हैं, वाई में। ऐसे ही अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो कहाँ है, यहाँ ऊपर भी प्लस का साइन है, नीचे भी, तो इसका ना सेम चलेगा, ए बाय बी यही आ जाएगा। देखिए इसने ये लिखा है सम ऑफ रूट्स, एक तरह से क्या लिखा है, यही टर्म जो हमने पीछे निकाली, प्रोडक्ट आ गई ये। अब ये दोनों देखो, यहाँ पे ये निकाला है हमने, यहाँ पुट कर देंगे, ये निकाला है इसको यहाँ पुट कर देंगे। ये इक्वेशन है किसकी मेरे पास, कॉन्जुकेट की है, टू डायमीटर कॉन्जुकेट कब होंगे ये इसके लिए। तो मैंने ये पुट किया, पुट करने के बाद मैंने फर्स्ट में इसको वैल्यू रख दी, एम प्लस एम डैश की जगह ये रख दिया, एम एम डैश की जगह ये रख दिया, एलसीएम ले लिया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। द डायमीटर्स आर कॉन्जुकेट विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कॉनिक, इफ दोनों अगर कॉनिक पे वो कैसा हो, कॉन्जुकेट हो। तो ये तो आपने एक के लिए निकाला है, एक कॉनिक के लिए निकाला था ना, तो हमारे पास अब कितने कॉनिक है, दो, तो दूसरे के लिए भी सेम आ जाएगा। ये इक्वेशन किस कॉनिक के लिए आई है अभी, जो आपने सॉल्व की है, इस वाले कॉनिक के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसके लिए। तो अगर दूसरे के निकालूंगे तो उसमें क्या आएगा, बस बी की जगह बी डैश है उस इक्वेशन में, एच की जगह एच डैश है, ए की जगह ए डैश है, मैंने रख दिया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, मुझे वैल्यू चाहिए कैपिटल ए की, एच की, बी की, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई रूल यूज़ किया है, ए अपॉन दिस टर्म इन टू दिस, टू एच अपॉन दिस दिस एंड बी अपॉन, ये दोनों आ जाएंगे इक्वल्स टू, हम कॉन्स्टेंट ले लेंगे। एक बार ए की टर्म को लैम्डा के इक्वल रखो तो ये आएगा, टू एच वाली लैम्डा की इक्वल आएगी, ये आ जाएगा, बी जब लैम्डा के इक्वल होगा तो ये आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल ए बी सी की, जो हमने लेट किया था, ये क्या लेट की थी हमने, जॉइंट इक्वेशन ऑफ कॉन्जुकेट, कि दोनों कॉन्जुकेट डायमीटर को मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, हमने ये लेट किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन टू द कॉमन कॉन्जुकेट डायमीटर ऑफ द कॉनिक्स। सबसे पहले आपने वर्ड पढ़ा कॉमन कॉन्जुकेट, तो इसका मतलब ऊपर वाला आर्टिकल एज इट इज आएगा। ये दो इक्वेशन दी है, इसमें ए क्या है, वन है, एच कितना है, टू, बी सिक्स, इसमें, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, ये वाली ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इनसे कंपेयर कर रहे हैं। ऊपर यही इक्वेशन थी ना एक, तो पिछले क्वेश्चन में, दूसरी कौन सी थी, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से ए डैश आ जाएगा, बी डैश, वो सॉरी एच डैश, बी डैश। अब हमने इक्वेशन लिखी थी पीछे, इक्वेशन टू द कॉमन कॉन्जुगेट डायमीटर इज, यही आई थी इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करने के बाद, यही देखिए एज इट इज पिछला क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन नंबर सिक्स आएगा तो आपको पहले फिफ्थ सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तब आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, वरना ये पूछेंगे आपसे एग्जामिनर कि ये कहाँ से आ गई डायरेक्ट, तो आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। बस इसमें वैल्यू रख दे, अब आप यहाँ से इनकी, इन सिक्स टर्म की वैल्यू रखेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ में हमें क्या पूछा है इसने, फाइंड द पोल ऑफ द लाइन 5x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक दिस। कॉनिक की इक्वेशन लिखी, लाइन की लिखी, तो कल एक आर्टिकल आपने किया था, हम वैसे ही कर रहे हैं एज इट इज। मैं आपको साथ साथ आर्टिकल इसलिए दिखा रही हूँ कि आर्टिकल जो हमने किए थे कल वो आप कर लो या क्वेश्चन कर लो, एक बार समझ में आ जाएगा आपको तो सबसे अच्छा है। ये वाला आर्टिकल है, हमने लेट किया था पोल, इस लाइन का ये है, फिर पोलर की इक्वेशन लिखी थी, एक्स आया था, वाई आया था, ये आगे की टर्म, फिर हमने कहा था कि ये लाइन और ये लाइन दोनों अलग नहीं है, सेम है, तो बस इनके कोफिशेंट्स कंपेयर कर दिए थे, यही काम हम यहाँ करेंगे। हमारे पास ये लाइन आ गई, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दी है, ये हमारे पास कॉनिक है, लेट कर लिया, पोल कहाँ पे है इसका, इस पॉइंट पे है, एक्स वन वाई वन पे, किस लाइन का है, सेकेंड लाइन का है इस कॉनिक के लिए। तो पोलर कैसे आ जाएगा, पोलर की इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, ए यहाँ से आएगा, एच बी जी एफ सी, ये वैल्यूज पुट की है उसमें एज इट इज,
वैल्यूज पुट हो जाएंगी, कौन सी वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ये वाली में, ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने। जहां पे जिनके पास x था उनको एक साथ लिख लिया, जिनके पास y था उनको एक साथ लिख लिया, ये वो टर्म है जिसके पास ना x है ना y है। अब जो ये वाली लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि ये ही क्या बना रही है, पोल, ये ही उसके लिए क्या बन रहा है, मतलब पोलर, पोलर का मतलब एक लाइन ही है। इस पॉइंट के लिए ये लाइन है, यही लाइन इसके इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन्स कोफिशियंट कैसे होनी चाहिए, सेम। एक्स का कोफिशियंट यहाँ कौन है वो लिख दो, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट कौन है वो अपॉन में लिख दो, कल यही किया था आर्टिकल में भी, ऐसे ही वाई का कोफिशियंट इस टर्म में, वाई का कोफिशियंट इस टर्म में अपॉन में करके ये आ जाएंगे आपके पास। बस ये आपकी क्या आ जाएगी सॉल्व करने पे, यहाँ से आपको मिल जाएंगे वैल्यूज, आप निकालेंगे, दो दो को ले लिया, इन दोनों को सॉल्व कर ले पहले, फिर इन दोनों को, आपके पास दो दो इक्वेशन आएंगे, इनको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे क्या पूछा है, प्रूव दैट लोकस ऑफ पोल्स ऑफ टेंजेंट, हमें दो कॉनिक दिए हैं, कह रहे अगर हम एक दो कॉनिक है, एक के पोल से यहाँ बनाए टेंजेंट, एक के पोल से यहाँ बनाए, तो हमें उसकी कुछ कंडीशन दिखानी है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। अब देखते कैसे करना है, पोल वर्ड आते ही पहले लेट कर ले, पोल कहाँ पे है, एक्स वन वाई वन पे है, पोलर की इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी वो लिख दी हमने, ये आ जाएगी। अब मैंने पोलर ये क्योंकि मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये दोनों ये वाले दी हुई है इक्वेशन, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए ये हमें दी हुई है ये दोनों, तो मैंने यही ली है, ये लिख दी मैंने। जब मैं एक पॉइंट लिया है उसके लिए मैं पोलर बनाऊंगी, इसके लिए ये मेरा कॉनिक है, यहाँ पे मेरा पोल है, तो मेरा ये पोलर बनेगा। मैं दोबारा बता रही हूँ, ये मेरा कॉनिक है, ये मेरा पॉइंट है, तो ये पोलर बनेगा, ये पोलर वाले आर्टिकल से पता चला है मुझे, इतना ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या कह दिया, अब इसमें से x वाली टर्म अलग, y वाली अलग, ये कर देंगे, ये कर दिया हमने। तो अगर आप इसको देखेंगे तो लाइन की इक्वेशन की तरह लिख लो, अब इसको क्या होती थी लाइन की इक्वेशन, यहां से लिख रही हूं एक्स वन प्लस एच डैश वाई वन, एक्स प्लस एच डैश एक्स वन प्लस बी डैश वाई वन वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वन को इस साइड ले आए। तो लाइन की इक्वेशन कैसे होती थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये कौन है एल, ये कौन है एम, सी कितना है माइनस वन, इतना आ जाएगा। और अगर मैं इस कॉनिक को देखूं जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं पूरी जनरल कॉनिक वाली से मिलाऊं तो जी भी क्या है इसमें जीरो, एच वो सॉरी एफ भी क्या है जीरो, सी कितना है माइनस वन, क्योंकि इधर आएगा पहले माइनस वन बन जाएगा, वही क्या होता रहा सी, जी जीरो है एफ जीरो है, सी की जगह कौन है माइनस वन। अब आपको आर्टिकल अगर याद हो पोल वाला, तो मैंने कल आपको कहा था डायरेक्ट यूज करेंगे, वही इसने यूज किया है। इक्वेशन में दिखा देती ये वाली है, क्योंकि मुझे दिखाना है कि वो उसे टच करे, ऐसा कब पॉसिबल है, तो जब ये सेटिस्फाई होगी तब टच कर सकता है। तो इसमें बस वैल्यूज रखी है, पहले मैंने ये एज इट इज लिखा पूरा, बी की वैल्यू सी की वैल्यू सब पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ से देखिए क्या आएगा, माइनस एल स्क्वेयर माइनस यहाँ पे वन है, ये यहाँ आएगा ए बी माइनस एच स्क्वेयर की साथ में एन स्क्वेयर, यहाँ सब जीरो है, यहाँ है प्लस टू एल एम ए इक्वल्स टू जीरो, ए बी माइनस एच स्क्वेयर एज इट इज रखते हैं, एन स्क्वेयर यही रख लेते हैं, बाकी को दूसरी साइड शिफ्ट कर लेती हूँ मैं, तो क्या आएगा एल स्क्वेयर प्लस ये वन एम स्क्वेयर था, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब एल एम एन ये मैंने आपको पीछे बताए हैं अभी क्वेश्चन में, ये एल है ये एम है ये क्या है एन, ये वाला माइनस वन, बस आप इनकी वैल्यूज रखें आपको आंसर मिल जाएगा।